मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा ही भितरघात का शिकार होती रही है। एक बार फिर भिंड में कांग्रेस में फूट नजर आ रही है, जहां कांग्रेसी पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ खड़े हो गए हैं। एक बार फिर डॉक्टर गोविंद सिंह अपने ही कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के निशाने पर हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह का नाम नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में माना जा रहा है। इसका विरोध उनके गृह जिले से ही शुरू हो गया है। महगांव और गौरमी ब्लॉक के कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ पूर्व में बरती गई कांग्रेस प्रत्याशी को हराने की रणनीति को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को डॉक्टर गोविंद सिंह और उनके भांजे राहुल भदौरिया ने पार्टी के साथ भितरघात करके हरवाया था। इसके साथ ही लहार विधायक और पूर्व मंत्री पर कांग्रेसियों ने यह भी आरोप लगाया कि अब तक रेत के अवैध खनन को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह सवाल उठाते रहे हैं, आरोप लगाते रहे हैं, जबकि वे खुद रेत के अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। साथ ही उनके द्वारा पिछले साल चलाए गए नदी बचाओ आंदोलन पर भी सवालिया निशान लगाते हुए जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल का कहना है कि उनके द्वारा चलाए गए अभियान की फंडिंग भी रेत माफिया द्वारा की गई है। ऐसे में वो पूरी तरह से दोषी हैं। बड़े कांग्रेसी नेता थे, पूर्व मंत्री थे, इन लोगों ने हमारे कांग्रेस को छल करके बीजेपी को वोट दिलवाए और कांग्रेस पार्टी को हरवाए, जो इतने बहुत बड़ा नुकसान किया प्रदेश का। इसलिए इनको अब जो प्रतिपक्ष नेता बनते हैं तो इससे हमारी पार्टी को नुकसान हुआ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर करना चाहिए। प्रतिपक्ष तो बहुत दूर है, प्रतिपक्ष लायक ही नहीं है ये लोग। कौन लोग हैं ऐसे? ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, बढ़िया हैं, राहुल भदौरिया जी हैं, जो बार बार जो खाना निकालते रहते हैं, पूछा कांग्रेस। बता दें कि गोरमी और महगांव ब्लॉक के कांग्रेसी पदाधिकारियों ने डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर मांग की है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाए और प्रस्ताव को जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल को सौंपा है ताकि उसे आला कमान तक पहुंचाया जा सके। इस प्रस्ताव का समर्थन जिला अध्यक्ष ने भी किया है। बता दें साहब, ये मीटिंग की गई है महगांव ब्लॉक गोरमी ब्लॉक। अभी अभी ब्लॉक गोरमी के अध्यक्ष और महगांव के अध्यक्ष, हमारे किसान के पूर्व अध्यक्ष महामंत्री जगदीश शर्मा, अन्य लोग भी हमारे पास आए। उन्होंने ये प्रोसीडिंग की कॉपी दी है। उन्होंने ये बताया है कि आज 19/7/21 को युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ढमोले के घर पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया गया, जो जानकारी हमें दी गई है दोनों ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि हम सब लोग इस बात से दुखी हैं कि जिन्होंने कटारे के उपचुनाव में, महगांव के उपचुनाव में कांग्रेस को हराने का पूरा काम किया, जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा उनका निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उनके कार्य व्यवहार से, कांग्रेस का विरोध करने से ब्लॉक गोरमी, ब्लॉक महगांव सब पूरी तरह असंतुष्ट हैं। इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है। इन लोगों ने प्रस्ताव में ये मांग की है कि यदि उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाता है तो हम लोगों का कांग्रेस में कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से ये ब्लॉक अध्यक्षों की तरफ से जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें ये मांग की गई है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को प्रतिपक्ष का नेता न बनाया जाए, क्योंकि वो कांग्रेस के लिए काम नहीं करते, स्वयं अपने लिए काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रस्ताव जो लेकर हमारे पास आए हैं, ब्लॉक गोरमी और ब्लॉक महगांव का संयुक्त रूप प्रस्ताव पारित किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए थे, प्रोसीडिंग पर सबके हस्ताक्षर हैं। उससे इस बात की मैं संतुष्ट हो गया हूँ कि वाकई में आज इन लोगों ने वहाँ पर आज युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पर प्रस्ताव पारित किया है, उसकी कॉपी हमें दी गई है। उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ और साथ में ये मांग करता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्षगण और भी जिला और दुनिया भर के कार्यकर्ता जो उपस्थित हुए हैं, उनने वाकई में उचित मांग की है कि ऐसे आदमी को जो कांग्रेस के हराने का काम करता हो उसे प्रतिपक्ष का नेता ना बनाया जाए। इनकी मांग उचित है, इनकी मांग का मैं समर्थन करता हूँ और निश्चित रूप से इनकी प्रश्न की कॉपी आज ही हम प्राप्त होते ही तुरंत हम माननीय कमलनाथ जी को, राजीव जी के माध्यम से मुकुल वासनिक जी को, ऊपर तक सारा समाचार आज ही भेज दूंगा कि हमारे भिंड जिले के कार्यकर्ताओं में, खासकर महगांव ब्लॉक में, अटेर ब्लॉक में, भिंड ब्लॉक में असंतोष व्याप्त है। कार्यकर्ता नाराज हैं कि उन्हें दंड तो दिया नहीं गया और इनाम दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जो विरोध करेगा उसे इनाम मिलेगा, तो ये परंपरा कांग्रेस पार्टी के लिए घातक होगी। इसलिए हम मांग करते हैं कि ब्लॉक अध्यक्ष जो प्रस्ताव पारित किया है
उसके समर्थन में इन्हें प्रतिपक्ष के नेता बनने से रोका जाए। अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हम पत्र भेजेंगे और मांग करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की कार्रवाई रोकने के लिए कमलनाथ जी और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक सोनिया जी प्रभावी कार्रवाई करके प्रतिपक्ष के नेता बनने से रोकें। अवैध खनन का भी आरोप लगाया है ब्लॉक अध्यक्षों ने। हाँ, अभी ब्लॉक अध्यक्षों ने जो बात बताई है ना, वो अवैध खनन का, अवैध खनन के बारे में वो निश्चित रूप से विरोध में बोलते, कथनी करी मंत्र होता है, खुद करते हैं वो उसका विरोध करते हैं, अखबारों में पढ़ने के लिए, शासन को दिखाने के लिए विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि उन्हीं के मित्र, उन्हीं के नाते रिश्तेदार या यात्रा जो निकाली गई उसमें खर्चे वाले कौन थे, सब रेत माफिया थे, वही लोग व्यय कर रहे थे जरूरत में चाहे। तो इन बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि खनन माफिया में अप्रत्यक्ष रूप से वो दोषी तो हैं। बीजेपी से मिली भगत की आरोप लगते रहे लगा, देखो दुनिया भर जानती है कि बीजेपी के नरेंद्र तोमर उनके मित्र हैं, अनु मिश्रा जी उनके मित्र हैं, अरविंद भौरिया उनके मित्र हैं, ओपीएस उनके मित्र बन गए, ये तो सही बात है, ये प्रमाणित है कि उनकी मित्रता बीजेपी से है, ये सच बात है। आपने पिछली बार भी ऐसा एक निंदा प्रस्ताव पारित किया था, उस पर कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की थी? उसमें कांग्रेस ने, मैंने हमारे हेमंत कटारे उम्मीदवार ने एक लिस्ट शिकायत एक कॉपी हमें दी थी, एक कमलनाथ को भेजी थी, एक सोनिया जी को भेजी थी, एक प्रभारी महासचिव को भेजी थी, एक कॉपी हमें मिली थी। उस कॉपी के आधार पर हमने जिला कांग्रेस की बैठक बुलाई, सर्वसम्मति से लगभग 114 का उपस्थित थे कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी, सर्वसम्मति से सबने हस्ताक्षर किए। मैंने अकेले नहीं, समूची कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव निर्णय लिया था और ये मांग की थी इन्हें 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाए। उस पर अनुशासन की घटित हुई, अब ऊपर की कार्रवाई ऊपर वाले जाने, हमारा काम जब वो हमने कर दिया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोरबी, ब्लॉक कांग्रेस की महगांव ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है, ये प्रस्ताव ऊपर भेजा जा रहा है, ऊपर क्या होगा ये ऊपर वाले जाने। तो पिछली बार की तरह क्या इस बार भी उम्मीद है कि स्थिति इस बारे में अब कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, कांग्रेस का विरोध करने वाले को वो इनाम नहीं चाहते, यही तो कार्यकर्ताओं की मंशा है। गोरमी ब्लॉक की और महगांव ब्लॉक के जो कार्यकर्ता आज भिंड में हमारे पास आए गए, मैं भिंड से बोल रहा हूँ, महगांव से नहीं, कार्यकर्ता प्रस्ताव पारित किया महगांव में और प्रस्ताव पास करने के बाद प्रोशनी की कॉपी हमें दिखाने आई है, तो उचित बात उनकी मांग उचित लगी हमें, इसलिए हम समर्थन करते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि जो कांग्रेस का विरोध करता है उसे इनाम नहीं मिलनी चाहिए। टाइम इट मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।